भारत एक ऐसा देश है जहां बहुत ज़्यादा टोनेटोटिकों को तरजीह दी जाती है। इसी कड़ी में आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में समझाने की कोशिश करेंगे कुछ ऐसे उपायों या टोटकों के बारे में जिनसे हमें लाभ ज़रूर होता है। इस देश में आज भी लोग बहुत ज़्यादा टोटके और टोनों पर विश्वास करते हैं। देखा जाए तो ये बिल्कुल सच भी है कि हम अगर बहुत ही श्रद्धाभाव के साथ इन टोटके या उपायों को करते हैं तो हमें इसका लाभ भी ज़रूर मिलता है और इससे किसी को परेशानी भी नहीं होती है। आज हम आपको बताने वाले हैं चीनी रोटी के कुछ आसान उपायों के बारे में। जी हाँ, आप रोज सुबह एक रोटी अपने पितरों के नाम से निकालकर सुबह के समय किसी गाय को खिला देते हैं तो इससे आपके पितर आपसे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और आपको कभी भी परेशान नहीं करते हैं। वहीं अगर आटे में पिसी हुई चीनी मिलाकर रोज चींटियों के बिल पर डालेंगे तो बड़ी से बड़ी समस्या भी आपकी चुटकी बजाते ही दूर हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा बन जाएगी, किसी बात की कमी नहीं रहेगी। वहीं आपको बता दें, यदि आप व्यापार करते हैं और आपके व्यापार या कारोबार में मंदी आ गई है या फिर यूं कहें कि नौकरी में परेशानी आपको आ रही हो तो यह उपाय आपके लिए सबसे अच्छा है। आप किसी साफ शीशी में सरसों का तेल भरकर उस शीशी को किसी बहती हुई जल में प्रवाहित कर दें तो आपके व्यापार कारोबार में काफी तेजी से तरक्की होने लगेगी और आपको लाभ जरूर होगा। वहीं आपको बता दें कि बुधवार के दिन एक तोता पिंजरे सहित खरीद लाएं तथा उस तोते को किसी खुले स्थान पर आजाद करने से आपके कारोबार में बहुत ज़्यादा इजाफा होने लगेगा और आपको लाभ ज़रूर होगा। आपको बता दें, घर में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं और हमारे घर से वो बीमारी नहीं जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, आपके घर में कोई बीमारी काफ़ी लंबे समय से पनप रही है, तो रात को एक रुपये का सिक्का सिरहाने के नीचे रखकर सो जाएं, सुबह उठकर उस सिक्के को शमशान में फेंक दें तो आपकी बीमारी भी उसी सिक्के के साथ चली जाएगी और आपको बहुत जल्द राहत भी मिलेगी और आपको किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी, आप बीमारी से भी छुटकारा पा सकते हैं। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आकाश की रिपोर्ट।